भाई साहब 2023 जब स्टार्ट हुआ था तो सालार का नाम स्टार्टिंग से ही चल रहा था। इस बीच जवान आए, पठान आए, उसके बाद अब फाइनली जो क्लैश सामने आया डंकी और सालार के बीच में, यही क्लैश हमें पहले देखने को मिलने वाला था जवान और सालार के बीच में, लेकिन ये चीज़ जब पोस्टपोन हुई भाई साहब पूरे साल ही ये क्लैश चलते रहा था। जो स्क्रीन के पीछे जो सोच के लिए लड़ाई चल रही थी वो तो अलग चीज़ है, लेकिन वही फैन बेस पे जो लड़ाई चलती वो जबरदस्त वाली चलती है। जब सालार क्या कहते हैं पोस्टपोन हुई थी तो भाई बहुत से ट्रॉलिंग हुई थी, बहुत भयंकर वाली ट्रॉलिंग हुई थी कि प्रशांत नील डर गया, प्रभास डर गया, द डायनासोर डर गया। लेकिन भाई जब असली मुद्दा जब इन्होंने निकाला कि भाई डंकी के सामने इस मूवी को निकाल रहे हैं सालार को, और जो इस टाइम पर चल रहा है सिनेरियो भाई सालार फाड़ के जा रही है, जबरदस्त कलेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन भाई लड़ाई अभी खत्म हुई कहाँ है, जब तक ये दोनों मूवी सिनेमा घर से उतरेंगे नहीं भाई ये लड़ाई खत्म होने वाली ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ फैन बेस पे लड़ाई नहीं चल रही भाई, पर्दे के पीछे भी नंगा नाच चल रहा है। सालार का जो अच्छी खासी कलेक्शन इस टाइम कर रही है भाई, बहुत बोला जा रहा है कि फेक कलेक्शन है, इसके डेटा एग्जैक्ट नहीं है, है ना, मेकर्स की तरफ से मतलब ऑडियंस को बरगलाया जा रहा है। लेकिन भाई सही बताऊं तो डेटा इतने ज़्यादा एग्जैक्ट किसी भी मूवी के नहीं आते हैं। मिनिमम चलो छोटी स्केल पर ले लेते हैं, इंडिया के लेवल पे ले लेंगे तो ठीक है, छोटे स्केल पर पॉसिबल है कि हम एक एक चीज़ें वो चीज़ कवरअप कर लेते हैं, लेकिन भाई ओवरसीज में वर्ल्ड वाइड में कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ है जो एग्जैक्ट डेटा वहाँ से निकाल के दिखा दे, क्योंकि भाई साहब वो बहुत बड़ा रीजन है और कहाँ पर कितनी क्या कलेक्शन आ रही है एजम्पशन सेट कर देते हैं जो स्लाइटली टच करता है एक्यूरेसी को, लेकिन एक्यूरेट डेटा भाई कोई नहीं बता पाएगा। ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी मूवीज आई हैं जहाँ पर ऐसा हेर फेर तब भी देखने को मिल रहा था और अब भी देखने को मिल रहा है, लेकिन हेर फेर नहीं कहेंगे यार इसको भाई। मूवी का बजट अगर मैं आपको बताऊं तो सालार 400 करोड़ के भारी भरकम ह्यूमंगस बजट में ये मूवी को बनाया गया है, जो ठीक है अभी तो इसने अपना वो डेटा रिकवर कर लिया है, मतलब वो बजट कवर कर लिया है, लेकिन भाई इस मूवी को जब इतने भारी भरकम बजट से बनाया गया है तो इसका प्रॉफिट जो है उसका डबल ही कहा जाएगा। यानी अगर 400 करोड़ है तो भाई साहब 800 करोड़ नहीं कमाए तो काहे की ब्लॉकबस्टर हुई, काहे का प्रभास नाम इसमें जुड़ा पड़ा है, ये वाली बात। तो डंकी 120 करोड़ के बजट में बनाई गई है, लेकिन इन्होंने अच्छा खासा बजट रिकवर कर लिया है देखा जाए तो, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इसने अच्छी खासी कलेक्शन अभी कर ली है। लेकिन भाई फाइटिंग जो है ना, ट्विटर पर जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है, मतलब फैन बेस पे लड़ाइयाँ चल रही हैं। लाइक अगर सालार के जो फैंस हैं, मतलब डायनासोर प्रभास के जो फैंस हैं, वो डंकी को ट्रॉल कर रहे हैं, जैसे कि सालार क्रस्ट डोंकी ऐसे करके ट्रॉल करा जा रहा है। एंड दूसरी तरफ जो शाहरुख खान के फैंस हैं भाई, उन्होंने भी बहुत हथकंडे अपनाई हैं। लेकिन हैशटैग आस्क एसआर की जब ये ट्रेंड होता है ना भाई, तो बहुत सी जो भी हैशटैग ट्रेंड होते हैं उस टाइम पर वो सब नीचे आ जाते हैं और ये ट्रेंड ऊपर चला जाता है, और तो इस टाइम पर ये वाला ट्रेंड फाड़ रहा है। मतलब हैशटैग जो सालार क्रस्ड डोंकी वाला ट्रेंड जो चल रहा है उनकी तरफ से करा जा रहा है प्रभास के फैंस के द्वारा, उस ट्रेंड को बीट डाउन करने के लिए हैशटैग आस्क एसआर के ट्रेंड कराया जा रहा है। तो भाई ये वाली लड़ाई भाई सिर्फ अभी नहीं है, जब भी साउथ वर्सेस बॉलीवुड आता है ना तब ये लड़ाइयाँ अपने आप सामने उभर के आ जाती है। यही चीज़ हमने पुष्पा में देखी थी भाई, जब अल्लू अर्जुन की मूवी आई थी भाई साहब हिंदी से स्टार्टिंग में उसे कोई सोच इतने ढंग के मिल नहीं रहे थे, लेकिन जब उस मूवी ने 100 करोड़ टच किया है तो भाई तब पता चला है। जब पुष्पा मतलब इस टाइम पर पुष्पा की जो फैन फॉलोइंग है अल्लू अर्जुन की, मतलब उस मूवी से भाई वेट है लोगों को कि यार सेकेंड पार्ट कब आएगा उसका। देन उसके बाद लियो जो अभी मूवी आई थी गणपत के सामने क्लैश कराया गया था, तब लियो को भाई नेशनल चेंज में कोई भी सोच नहीं मिले थे, वही नैरेटिव वही चीज़ वही सिनेरियो अभी फिर सेट करना चाहते थे। ये चीज़ का रुझान हमें मूवी के रिलीज होने से पहले एक आध दिन पहले देखने को मिला था भाई पीबीआर आईएनएक्स में नॉर्थ रीजन में, मतलब हिंदी से भाई सालार को एक भी सोच नहीं मिल रहे थे इसकी ओपनिंग के लिए, लेकिन होमवाले फिल्म प्रोडक्शंस ने जो स्टेप लिया है कि भाई अगर तुम हमें नॉर्थ में नहीं दोगे तो हम साउथ में भी नहीं लेंगे, सारे सोच उनके जो भी थे भाई होल्ड पे लगा दिए थे, और उसी टाइम एट द मोमेंट पीवीआर आईएनएक्स को भाई करोड़ों का घाटा झेलना पड़ा था। तो ये सब सिर्फ छोटे स्केल पर नहीं बड़े स्केल पर भी ये फाइट देखने को मिल रही है, लाइक कि यार शाहरुख खान एक ऐसा लीजेंडरी एक्टर है और उसके सामने प्रभास जो अभी करके चलो उभरा है, और जब वो सामने आएगा तो भाई थोड़ा तो ईगो हर्ट करेगा, और यही चीज़ बस घुमावदार हो रही है, इसी की वजह से थोड़ा क्लैश ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। खैर इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, है ना, सोच के लिए लड़ाई चल रही है अब भाई, ये चीज़ देखने में भी आ रही है। लाइक कि पहले डंकी के पास अच्छे खासे सोच थे, अगर हम क्रिसमस डे की बात करें जब कमाई करी थी डंकी ने
आराम से 23 या 24 करोड़ के आसपास कमाई करी है, जबकि उस दिन सालार ने 15 करोड़ की कमाई करी है, और सोच बहुत कम है सालार के पास बावजूद इसके। तो अब जो है सोच भाई सालार के फेवर में आ रहे हैं, क्योंकि भाई ऑडियंस पब्लिक इज द किंग, वही चीज ना भाई, इफ योर कॉन्टेंट इज सॉलिड भाई पब्लिक इसे चुनेगी ही चुनेगी, और वो देखने को ही मिल रहा है। हिंदी से कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हो रही है और हिंदी ऑडियंस अभी से इस मूवी को पसंद भी कर रही है, इसलिए क्या कहते हैं डंकी से काफ़ी शो जब सालार को दिए जा रहे हैं तो उस लेवल पे अलग क्लास देखने को मिल रहा है। दैट्स वाई कि ये सारा सिनेरियो जनरेट करा जाता है कि भाई फेक कलेक्शन है ये वो, क्योंकि कलेक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपकी मूवी अच्छा खासा कमाई कर रही है तो पब्लिक के दिमाग में ये चीज़ें हिट करती हैं कि भाई साहब जरूर इस मूवी में कुछ ना कुछ बात होगी। दैट्स वाई कि इसमें अच्छा कलेक्शन देखने को मिल रहा है, इसलिए उन्हें इजी चॉइस हो जाती है कि भाई चलो हम भी देखते हैं क्या होता है। वैसे मेरा मानना है कि यार सिनेमा को एंजॉय करो, चाहे साउथ का हो चाहे बॉलीवुड का हो, आप बस एंजॉय करो, ये अपॉर्चुनिटी देखो कि भाई कंटेंट मिल रहा है और भर के कंटेंट मिल रहा है। इस टाइम पर क्रिसमस हॉलीडे चल रहा है, अभी सैटरडे संडे आ जाएगा भाई, लोग खाली हो जाएंगे, जाओ एक हफ्ते तुमने डंकी देखी तो सेकेंड वीक में आप सालार देखो, मिल रहा है तो बस फायदा उठाओ यार। क्या सही है क्या गलत है, कौन सी मूवी सही नहीं है या गलत नहीं है, उसके लिए हम बैठे पड़े हैं, हम जैसे बहुत बैठे पड़े हैं जो वाकई में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन रखते हैं। भाई गॉड, भाई गॉड, हमें एवं आपका पैसा खर्च होने तो नहीं देंगे यार। जो चीज़ सही है वो सही बताएंगे और जो गलत है वो गलत बताएंगे। भाई लाइक मैंने सालार की एक आध चीज़ें मैंने भी भाई इसको कॉल आउट किया है कि यार ये चीज़ सही नहीं है। लाइक कि अगर आपने प्रभास को दिखा रहे हो तो आपका प्रभास भगवान है क्या, मतलब बीच में आप कहीं पर भी कुदा दे रहे हो और उस बंदे को खरोंच नहीं आ रही है, दर्जनों में वो मार रहा है, एक मार रहा है और कट जा रहे हैं, तो थोड़ा अटपटी लगती है ये चीज़ें आज के टाइम पर। पहले अच्छी लगती थी लेकिन आज के टाइम पर अटपटी लगती है, क्योंकि भाई रियल वर्ल्ड पर फोकस करा जा रहा है। लाइक संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल जब हमने अभी देखी, भाई रणबीर कपूर की हालत मरने जैसी कर दी थी उस बंदे ने बावजूद इसके। वैसे मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन यही है कि दोनों मूवी अपनी अपनी जगह बहुत ही दमदार हैं। राजकुमार हिरानी जिस नाम के लिए जाने जाते हैं उन्होंने वो चीज़ बरकरार रखी है जो हमें पीके 3 इडियट और मुन्ना भाई MBBS में देखने को मिला था, वही चीज़ हमें डंकी में भी देखने को मिला है। प्रशांत नील जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं भाई एक्शन में फाड़, जो KGF यूनिवर्स जैसी मूवी दे रखी है, KGF 2, भाई उसने भी वही चीज़ बिल्कुल फॉलो करते नजर आए हैं और ज़बरदस्त अपना 100% दिया है सालार में। तो भाई दोनों ही मूवी ज़बरदस्त हैं। आप लोगों ने कौन सी मूवी देख ली है अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना।